टी20 वर्ल्ड कप के ठीक बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है। 17 नवंबर से शुरू होने वाली टी20 सीरीज में रोहित शर्मा भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे, जबकि केएल राहुल को वाइस कैप्टन घोषित कर दिया गया है। इतना ही नहीं, न्यूजीलैंड सीरीज के लिए विराट कोहली समेत 3 खिलाड़ियों को आराम भी दिया गया है। साथ ही साथ टी20 टीम में हार्दिक पांड्या का चयन भी नहीं हुआ, जबकि कई ऐसे खिलाड़ियों को मौका मिला है जो इस बार IPL में कमाल करते हुए दिखे। देखिए वीडियो। न्यूजीलैंड सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है। रोहित शर्मा टी20 फॉर्मेट में भारतीय टीम के कप्तान होंगे। मंगलवार देर शाम को BCCI ने इसका ऐलान किया। भारतीय टी20 टीम की कप्तानी छोड़ने वाले कोहली को 17 नवंबर से जयपुर में शुरू होने वाली सीरीज के लिए आराम दिया गया है। साथ ही साथ भारत की 16 सदस्यीय टीम में इंडियन प्रीमियर लीग 2021 में सर्वाधिक रन बनाने वाले ऋतुराज गायकवाड़ और सबसे अधिक विकेट चटकाने वाले हर्षल पटेल को भी शामिल किया गया है। चोटों से परेशान रहने वाले हार्दिक पांड्या के संभावित विकल्प के रूप में देखे जा रहे ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर को भी टीम में जगह मिली है। टी20 विश्व कप में प्रभाव छोड़ने में नाकाम रहने के बाद हार्दिक पांड्या को टीम से बाहर कर दिया गया है। ऋतुराज श्रीलंका सीरीज के दौरान भारत की ओर से डेब्यू कर चुके हैं। सीनियर लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल और तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की टीम में वापसी हुई है। टी20 वर्ल्ड कप के रिजर्व खिलाड़ियों में शामिल हुए श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल और दीपक चाहर को भी टीम में शामिल किया गया है। रोहित की नियुक्ति महज औपचारिकता थी, जबकि खेल के सबसे छोटे प्रारूप में लोकेश राहुल उपकप्तान हैं। तेज गेंदबाजों जैसे जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को भी सीरीज से आराम दिया गया है। ऐसे में न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में भारत की टीम इस तरह होगी: रोहित शर्मा, KL राहुल, ऋतुराज गायकवाड़, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, ईशान किशन, वेंकटेश अय्यर, युजवेंद्र चहल, आर अश्विन, अक्षर पटेल, आवेश खान, भुवनेश्वर कुमार, दीपक चाहर, हर्षल पटेल, मोहम्मद सिराज। न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में कई युवा चेहरों को मौका दिया गया है, जिन्होंने IPL में अपना नाम रोशन किया है। इनमें वेंकटेश अय्यर, आवेश खान, हर्षल पटेल, ऋतुराज गायकवाड़ जैसे नाम शामिल हैं, जबकि चोट के बाद श्रेयस अय्यर की वापसी हो रही है। वर्ल्ड कप के लिए नहीं चुने गए युजवेंद्र चहल भी वापस आए हैं। वहीं दूसरी तरफ टी20 सीरीज में विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा को आराम दिया गया है। तीनों ही खिलाड़ी वो हैं जो लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में टेस्ट मैच के बाद IPL और फिर वर्ल्ड कप खेलकर ये तीनों खिलाड़ी आए हैं। वहीं अगर रोहित शर्मा की बात करें तो वो भी ऐसा ही कर रहे हैं, लेकिन अब जब वही टी20 में टीम इंडिया के कप्तान हो गए हैं तब उनको आराम नहीं दिया गया है और एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। तो चलिए आपको भारत न्यूजीलैंड सीरीज का शेड्यूल बताते हैं। 17 नवंबर पहला टी20 जयपुर में होगा, दूसरा टी20 19 नवंबर को रांची में खेला जाएगा, तीसरा टी20 मैच 21 नवंबर को कोलकाता में होगा, जबकि 25 से 19 नवंबर के बीच पहला टेस्ट मैच कानपुर में खेला जाना है। वहीं आपको बता दें कि 3 से 7 दिसंबर के बीच दूसरा टेस्ट मैच होगा, जो कि मुंबई में खेला जाएगा। हालांकि सेलेक्टर्स की ओर से अभी टेस्ट सीरीज के लिए टीम का ऐलान नहीं किया गया है। माना जा रहा है कि तीसरे टी20 मैच तक टेस्ट टीम का भी ऐलान हो जाएगा। टेस्ट में विराट कोहली ही कप्तान होंगे, हालांकि उन्हें पहले टेस्ट मैच के लिए आराम मिल सकता है। अगर ऐसा होता है तो रोहित शर्मा ही पहले टेस्ट मैच में कप्तानी करते हुए दिख सकते हैं, जबकि अजिंक्य रहाणे ही उपकप्तान होंगे।